स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीटर ज्ञान में। आज हम पीटर की वर्कशॉप की इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये हमारी पीटर का वर्कशॉप है। चलिए पीटर के वर्कशॉप में क्या क्या होता है देखते हैं। ये हमारी पीटर की इंट्रोडक्शन क्लास है। तो जैसा आप देख रहे हैं ये हमारी ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन जिसे हम सेंसिटिव ड्रिल मशीन कहते हैं। इस पर हम अपने जॉब पर होल करने के काम लेते हैं। इसमें ट्विस्ट ड्रिल बिट पकड़ी जाती है और अपने जॉब पर होल करते हैं। इस ड्रिल मशीन को सेंसिटिव ड्रिल मशीन कहते हैं। सेंसिटिव ड्रिल मशीन इसी प्रकार की ये दूसरी ड्रिल मशीन है, इसे हम सेंसिटिव ड्रिल मशीन कहते हैं। सेम वही मशीन है, इसमें सिंगल फेस मोटर होती है जिससे हम रोटरी मोशन प्राप्त करते हैं और उसी रोटरी मोशन से हम अपने ड्रिल बिट को घुमाकर ड्रिलिंग प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। आगे देखते हैं, ये हमारी ग्राइंडिंग व्हील है यानी ग्राइंडिंग मशीन। इस पर हम अपने जॉब पर ग्राइंडिंग करके किसी भी कटिंग टूल को शार्प करते हैं। बहुत कम मात्रा में जब हम कोई जॉब के ऊपर से मेटल को जब रिमूव करना होता है तो हम ग्राइंडिंग मशीन का यूज़ करते हैं। जैसे हमारी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है और हमारे जो स्क्रू ड्राइवर है उसकी बिट है, तो ये जो टूल होते हैं ये जब ब्लेंड हो जाते हैं तो इनकी जो शार्पनेस को बढ़ाने के लिए, इनके एंगल को सही करने के लिए ये ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे आते हैं, आगे देखते हैं, ये हमारी लेथ मशीन है। लेथ मशीन, इस लेथ मशीन पर हम स्ट्रेट टर्निंग, टेपर टर्निंग, फेसिंग, नर्लिंग, ग्रूइंग, बोरिंग, ड्रिलिंग आदि क्रियाएं करते हैं। ये हमारे ड्रिल मशीन की यह पार्ट हमारा हेड स्टॉक कहलाता है। ये मध्य का पार्ट हमारा कैरियज कहलाता है और यह दाईं ओर का पार्ट टेल स्टॉक कहलाता है। अब आगे देखते हैं, ये हमारी फायर बकेट है। फायर बकेट जब आकस्मिक आग लग जाती है तो इस फायर बकेट का यूज़ किया जाता है। ये क्वेंचिंग टैंक है। क्वेंचिंग टैंक जब हम फोर्जिंग प्रक्रिया करते हैं तो जो आपको गर्म करना होता है और गर्म करने के बाद उसे फिर ठंडा करना होता है, तो ठंडा करने के लिए क्वेंचिंग टैंक में रखे हुए कूलेंट में जो आपको डुबो कर ठंडा किया जाता है। इसके अतिरिक्त जब टेम्परिंग प्रक्रिया करते हैं तो टेम्परिंग प्रक्रिया में हार्डनिंग प्रोसेस जब किया जाता है तो उस समय भी जॉब को गर्म करने के बाद अचानक ठंडा करने की आवश्यकता होती है, तो उस समय हम क्वेंचिंग प्रक्रिया करते हैं। ये हमारी सरफेस प्लेट है जिसे हम ग्रेफाइट सरफेस प्लेट कहेंगे। सरफेस प्लेट पर ही रखकर हम किसी भी जॉब पर हम मार्किंग और या मेजरिंग क्रिया करते हैं, क्योंकि जॉब पर मार्किंग करते समय हमें एक समतल स्थान की आवश्यकता होती है जो कि यह सरफेस प्लेट प्रोवाइड करता है। यह हमारी वर्कबेंच है। वर्कबेंच पर हमारे जो बेंच वाइस लगी होती हैं, तो यह हमारी एक बेंच वाइस है। फिटर ट्रेड में, फिटर वर्कशॉप में जॉब को होल्ड करने के लिए सबसे आवश्यक जो डिवाइस होती है वो बेंच वाइस होती है। इस पर ही अपने जॉब को हम होल्ड करके फाइलिंग क्रिया करते हैं। आगे देखते हैं, इसी बेंच पर हमारी लगी हुई है ये पाइप वाइस है। जब हम किसी पाइप पर हेक्साइंग क्रिया करते हैं तो पाइप को होल्ड करने के लिए पाइप वाइस का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से यह पाइप वाइस है। आगे देखते हैं, यह हमारी स्वेज ब्लॉक है। स्वेज ब्लॉक जब हम
फोर्जिंग क्रिया करते हैं तो फोर्जिंग शॉप में हमें स्वेज ब्लॉक की आवश्यकता होती है। इसमें बने हुए अलग अलग डिज़ाइन के अनुसार जॉब पर जब हम कोई फोर्जिंग प्रोसेस करते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ हमारा रॉ मटेरियल रखा हुआ है, एमएस फ्लैट यानी माइल्ड स्टील की फ्लैट है। इसी माइल्ड स्टील की फ्लैट पर हम जॉब्स क्रिएट करते हैं, जॉब बनाया जाता है, क्योंकि माइल्ड स्टील एक बहुत ज़्यादा, ना तो ज़्यादा हार्ड होता है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो माइल्ड स्टील पर जॉब बनाना यानी प्रक्रियाएं करना, मशीनिंग प्रक्रियाएं करना आसान होता है। यह एक अदर बेंच वाइस है, इस पर भी हमारी बेंच वाइस लगी हुई हैं। ये हमारी लेग वाइस है, लेग वाइस फोर्जिंग शॉप में अधिकतर प्रयोग की जाती है, यानी फोर्जिंग शॉप में प्रयोग होने वाली वाइस लेग वाइस होती है। इसमें एक ये पॉइंटेड लेग होता है, ये पॉइंटेड लेग ज़मीन तक जाता है जो कि इसे स्थिरता प्रदान करता है। स्थिरता प्रदान करने के लिए इस पॉइंटेड लेग को ज़मीन तक पहुंचाया जाता है। यह हमारा एनविल है, वर्कशॉप में किसी जॉब पर हैमरिंग प्रक्रिया जब की जाती है तो एनविल पर ही रखकर की जाती है। तो एनविल पर रखकर हैमरिंग क्रियाएं की जाती हैं, जॉब पर जो भी हैमरिंग क्रियाएं की जाती हैं एनविल पर रखकर ही की जाती हैं। यह एक फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है, आकस्मिक आग लग जाने पर आग को बुझाने के काम आता है। यह एक अदर क्वेंचिंग टैंक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्वेंचिंग टैंक गर्म जॉब को ठंडा करने के लिए इसमें कूलेंट रखा होता है, उस कूलेंट में डुबो कर जॉब को ठंडा किया जाता है। यह एक अदर सरफेस प्लेट है जिसमें ग्रेफाइट सरफेस प्लेट है। यह दूसरी लेथ मशीन है, यह लेथ मशीन मदर ऑफ ऑल मशीन के नाम से जानी जाती है क्योंकि इस पर कई प्रक्रियाएं की जा सकती हैं, इसलिए इसे मदर ऑफ ऑल मशीन कहते हैं। यह हमारी ट्रॉली है, भारी जॉब्स या भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए इन ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। यह भी सेंसिटिव ड्रिल मशीन है, यह हमारा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है। वेल्डिंग करते समय हम आर्क वेल्डिंग करते समय इसका प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको अवगत कराना है कि आर्क वेल्डिंग में हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं जिसमें वोल्टेज कम और करंट अधिक रखना होता है, अर्थात यह ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जिसमें वोल्टेज को कम करके एम्पियर को बढ़ाया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वायर हमारी अर्थिंग वायर होती है, यह हमारी अर्थिंग वायर है, यह अर्थिंग वायर है, आप देख रहे होंगे कि इस पर अर्थ लिखा हुआ है। इसके अलावा बाकी हमारे जो हैं एम्पियर के पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये 50 एम्पियर का, 100 एम्पियर, 200 एम्पियर, 300 एम्पियर और यह 400 एम्पियर। तो यह वेल्डिंग ट्रांसफार्मर 400 एम्पियर तक प्रोवाइड करने के लिए समर्थ है।
इसमें से एक वायर हमारा अर्थिंग वायर है जो कि अर्थ क्लैंप में लगा होता है, यह अर्थ क्लैंप है, और दूसरा वायर, दूसरे वायर में हम इलेक्ट्रोड पकड़ते हैं, यह इलेक्ट्रोड होल्डर है, इसमें हम इलेक्ट्रोड को पकड़ते हैं और वेल्डिंग प्रक्रिया करने के लिए आर्क का निर्माण करते हैं। यह हमारी यह वेल्डिंग टेबल है जिस पर रखकर जॉब पर वेल्डिंग की जाती है। आइए आगे देखते हैं। यह भी फायर बकेट हैं, फायर बकेट्स आग लगने पर, इन फायर बकेट्स में सैंड रखी होती हैं। जब कभी आकस्मिक आग लग जाती है, चाहे वो किसी लकड़ी से लगी हुई आग हो या इलेक्ट्रिसिटी से शॉर्ट सर्किट से लगी हुई आग हो, तो हम इस स्टैंड को उस आग पर डालकर उसे बुझाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे वर्कशॉप में रखी हुई सारे मशीन्स के बारे में आपने देखा, और इम्पॉर्टेंट जो यंत्र हैं उनके बारे में भी आपने देखा। तो यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल को आप शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से और अच्छी अच्छी वीडियो हम बनाते रहेंगे, और मैकेनिकल से रिलेटेड वर्कशॉप में जितने भी टूल्स यूज़ होते हैं, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, उन पर समय समय पर हम वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।